मार्केटिंग का मैंने 3 मॉड्यूल अपलोड कर चुका हूँ, मेरे को MCQ नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा तो भी अपलोड कर दूंगा। अभी 4th मॉड्यूल बाकी था एक्सपेंशन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो ये 5 आंसर है और एक आंसर एक्सप्लेन करा दूंगा करियर इन मार्केटिंग। चला जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा अनएथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल में एक वर्ड है एथिकल। एथिकल मतलब होता है सही और गलत, सही काम करना, गुड और बैड, डूइंग दी गुड थिंग, मतलब बिजनेस को ईमानदारी से करना। तो अनएथिकल मतलब उसका उल्टा था, मतलब बिजनेस को बेईमानी से करना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, फ्रॉड तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना। तो ये प्रैक्टिस होता है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, दे आर मोस्टली टारगेटिंग दी चिल्ड्रन, मतलब ऐसा ऐड बनाते हैं कि उन लोग चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं ताकि चिल्ड्रन वो चीज़ को खरीदे, तो ऐड में इन्फ्लुएंस होता है, तो ये गलत होता है। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ड्रामे में चिल्ड्रन को यूज़ करना अंडर 14 एज, वो भी गलत है। अनहेल्दी प्रोडक्ट, जो मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हैं बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बेहतर है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव, और प्रोडक्ट नकली होता है, हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होता है। राइट, प्रीडेटरी प्राइसिंग, मतलब ऐसा प्राइस चार्ज करते हैं ना कि कस्टमर को कुछ समझ में आता है कि खरीदे कि नहीं खरीदे। राइट, प्राइवेसी कंसर्न, हमारा मार्केटिंग के कारण हम लोग से सर्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, तो अपनी प्राइवेसी उनके पास चले जाता है, अपना मोबाइल नंबर चले जाता है, फिर 10 कंपनी का कॉल आता है तो ये भी चला जाता है। ट्रेडमार्क वॉयलेशन, जैसे कि ट्रेडमार्क वॉयलेशन का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि ये नाइकी का साइन है, नाइकी का प्रोडक्ट, उन लोग उल्टा नाइकी डाल देते हैं, एडिडास का एबिडास, कुरला में माल मिलता है ना, एडिडास ओरिजिनल ब्रांड है तो उसको एबिडास मिलेगा, तो ये ट्रेडमार्क का वॉयलेशन होता है। नेक्स्ट क्या, डेटा पायरेसी, डेटा चोरी कर लेना या आवाज़ से, एक्सपायरी डेट कंसर्न, अडल्ट्रेशन, मिलावट, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, तो ये तरह के कंज्यूमर को लूटना, ये तरह के मार्केटिंग का प्रोसेस हुआ जाता है। राइट, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, कंफर्म आंसर लिखना है, नेगेटिव में डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग, गांव साइड का मार्केटिंग कैसा होता है। तो गांव क्या है, अर्बन शहर होता है तो रूरल गांव होता है, तो गांव में मार्केटिंग कैसे होता है, तो साइज ऑफ रूरल डिमांड, तो उधर जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उनका डिमांड ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कम होता है। राइट, क्योंकि इतना उधर मतलब लोग ज़्यादा रहते हैं गांव में, पर डिमांड इतना होता नहीं प्रोडक्ट का एज़ कम्पेयर टू अर्बन। उधर का कंज्यूमर बिहेवियर अलग है ना, उन लोग अपने को अच्छा लगते हैं, वेरी कंजर्वेटिव, मतलब उन लोग क्या कंजर्वेटिव है, वो चीज़ को फ़ायदा रहेगा तब खरीदेंगे, तो उनका बिहेवियर एकदम अलग रहता है। साइकोलॉजिकल मोड ऑफ पेमेंट, ज़्यादातर लोग कैश पेमेंट करते हैं, तो ATM है ना, ATM ऑनलाइन ये सब कम होता है पेमेंट, अवेयरनेस बहुत कम है गांव वाले को थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में। अभी तो लेटेस्ट हो गया, अभी अपडेट हो गया, ये जो पर बुक है तुम्हारा वो 5-6 साल के हिसाब से पहले बनी है ना, इसके ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। रूरल के पास ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता, इसलिए लोग ज़्यादा परचेसिंग पावर नहीं है, तो इसलिए कम चीज़ परचेस करते हैं। लीडर, जो उनका विधायक बोलेगा, जो उनका मुखिया बोलेगा, जो सरपंच बोलेगा, वो प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके आगे नहीं जाते। लाइफस्टाइल लोग एकदम ट्रेडिशनल मेथड है, उन लोग भी प्रोडक्ट कंजम्पशन ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे। और लिटरेसी लेवल थोड़ा गांव में कम है अभी, पर ज़्यादा नहीं है। तो ये गांव का मार्केटिंग का फीचर्स है, रूरल मार्केटिंग का। तो गांव में जिस तरह भी मार्केटिंग करेंगे ये सब चीज़ का ख्याल करना है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम रहेगा, पहले पार्ले जी 4 रुपये का आता था जिसमें 8 बिस्किट होती थी। राइट, तो एक 2 वाला पार्ले भी आता था और एक वाला पार्ले भी आता था। राइट, मतलब 2 वाले में, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, 2 वाले पार्ले में 8 बिस्किट होती थी, तो वैसे 1 वाले पार्ले में 4 बिस्किट होती थी। वैसे शैम्पू 8 आना आता है, 8 वाला शैम्पू, ये सब गांव वाले के लिए बनाता है कि उन लोग छोटी छोटी चीज़ खरीद सके। ओके, ये था तुम्हारा रूरल मार्केटिंग। और एक टॉपिक शॉर्ट टर्म में आएगा ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का मार्केटिंग इस तरह करना या प्रोडक्ट को इस तरह बनाना जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है, एनवायरनमेंट हार्म नहीं होता, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, आप देखे रहेंगे कोई भी लेस का पैकेट होगा, ऐसा डब्बा बना है, एक आदमी खड़ा है वो बोले कि कचरा डब्बे में डालो। राइट, ऐसा लीटर डब्बे में डालो, तो ये इको फ्रेंडली दर्शा रहा है। तो इससे क्या होता है, अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेगा, पब्लिक के हेल्थ को डैमेज नहीं होगा, बिजनेस का इमेज भी बढ़ेगा और कंपटीशन में आगे रहेंगे, है ना, दुश्मन से, कस्टमर से टाइप अच्छा रहेगा, कस्टमर जानकार होगी, और एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का ये काम है कि वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदे जो इको फ्रेंडली हो, और कंपनी का भी यही ड्यूटी कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि वो इको फ्रेंडली हो और इसमें कंज्यूमर बिहेवियर अच्छा होता है। तो एक ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर आंसर पढ़ने का। राइट, अब एक टॉपिक दिया है जो मार्केटिंग मैनेजर से इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केटिंग मैनेजर है, तो आप अपना गुड्स को प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो ताकि सेटिस्फेक्शन मिले कस्टमर का, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। फर्स्ट है एक ग्लोबल मार्केट, तो जो आपका प्रोडक्ट है अगर इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है तो आपको इंटरनेशनल सीनियरों देखना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री का डिमांड, उनका कल्चर उनको समझना पड़ेगा, तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है ग्लोबल मार्केट कैचअप करने के लिए। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना स्ट्रांग है, अपन लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अगर जितना लॉन्ग रहेगा प्रोडक्ट लाइफ उतना बेटर रहेगा, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से भी मार्केट
मार्केटिंग मैनेजर को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, कस्टमर को अवेयरनेस है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके रखे कि नहीं अपनी कंपनी में, जिसके कारण हम लोग अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट स्लो जाएगा मार्केट में, तो स्लो बिकेगा। और सोशल मीडिया के हिसाब से अपने को देखना है कि मार्केट में हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपनी का इमेज अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, तो ये सब चैलेंजेस मार्केटिंग मैनेजर को देखना पड़ता है, मार्केटिंग मैनेजर को ये सब ड्यूटी देखना पड़ता है, ठीक है। और एक टॉपिक क्या है, करियर इन मार्केटिंग। ओके, तो अगर आप मार्केट में हो, सेल्स में हो, तो आपको क्या क्या जॉब मिलेगा, एडवर्टाइजिंग मैनेजर का जॉब मिलेगा, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा तो आपको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना सकते हैं, आप रिसर्च अच्छा करते तो आप मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। ओके, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना था, अच्छा नॉलेज है, डेटा पुट करना था, डेटा एंट्री, तो मार्केट MIS में ज्वाइन हो सकते हैं। सेल्स प्रमोशन मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, ब्रांड को प्रमोट करना, कस्टमर से कॉल अप, कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव कॉलिंग करके, सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, तो ये सब जॉब्स अवेलेबल है किसमें, मार्केटिंग में। तो ये पास्ट टॉपिक तुम लोगों को तो कवर करना ही है, राइट। तो जितना हो सकता था मैंने करा दिया अपने तरफ से, हेड पॉइंट भी है, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोशिश तो किया है कि सब बच्चे लोग अच्छे से पास हो जाएं। और रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स मिला तो नहीं अभी मेरे पास, आ जाएगा तो हो जाएगा, अभी आज इकोनॉमिक्स का पेपर है, लेट्स सी, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अभी थोड़ा 2-3 दिन आराम कर लूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएगा, थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स, ठीक है। संडे को सोचा थोड़ा क्रिकेट खेल लूँ। चलो, थैंक यू, दुआ में याद रखना।